विपश्यना ध्यान। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने बिच्छुओं को इस ध्यान को सिखाया था। उन्होंने कहा, आओ और देखो। विपश्यना ध्यान एक ऐसा ध्यान है जिसमें तटस्थ बैठकर अपने अंदर अवलोकन करना है। श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम अपने भीतर अवलोकन करते हैं। आराम से एक सहज आसन लेते हैं, आंखें बंद करते हैं, सीधे बैठ जाते हैं, कमर पीठ गर्दन सीधे रखते हैं, आंखें बंद होती हैं, श्वास आ रहा है श्वास जा रहा है, इसको निरंतर नाक के दरवाजे में महसूस करते हैं। आती सांस से शीतल महसूस करते हैं, जाती सांस से गर्माहट महसूस करते हैं। एक लय बना लेते हैं इस देखने की प्रक्रिया को। अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और खुद ही अपने मन को खुद देखते हैं, जैसे एक अलग को ही देख रहा। निरंतर श्वास प्रश्वास के प्रति हम सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं। धीरे धीरे मन शांत महसूस होता है। विपश्यना का सबसे सुंदर पक्ष क्या है? ये नास्तिक आस्तिक सभी लोग करते हैं, सभी शांति की अनुभूति करते हैं। हमारा मन बहुत चंचल होता है, इधर उधर भाग जाता है, हम इसमें खो जाते हैं। इस ध्यान विधि में हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, निरंतर श्वास प्रश्वास को महसूस करते रहते हैं। जिस तरीके से हमारा श्वास चल रहा है, ना उसमें जोर देते हैं ना कम करते हैं, बस उसी को महसूस करते रहते हैं। इस तरह की से खुद को खुद देखना ही विपश्यना। हमें निरंतर इन ब्रीथ आउट ब्रीथ को देखना है। ब्रीथ को देखना हमें प्रेजेंट में रखता है और ब्रीथ को फीलिंग करना हमें सूक्ष्म चीजों से बाहर रखता है। हम अपने शरीर को देखते हैं, शरीर की अनुभूति को, विचारों को, भावना को देखते रहते हैं।
श्वास प्रश्वास के माध्यम से नासिका की द्वार पर हम श्वास को महसूस करते हैं, आती जात, आती श्वास, जाती श्वास को निरंतर देखते रहते हैं। इसमें कोई दबाव नहीं देते, श्वास को श्वास की एक लय बना लेते हैं। इस विधि को बाद में ओशो ने भी करवाया है। शांत रहें, श्वास प्रश्वास की लय ना टूटे। आनापान सति योग ये विपश्यना विधि सात दिन की, दस दिन की, एक महीने की होती है। हम घर में प्रत्येक दिन आधे घंटे का, एक घंटे का विपश्यना विधि करने से हमारा जीवन शांत हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसी विधि से ऋषि मुनियों, ध्यानी, बुद्ध पुरुष, इनलाइटेंड मुच्छ हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। जागृत होने के लिए ये विधि सबसे कारगर विधि है। मौन बैठना है, श्वास प्रश्वास को देखना है, मन भटक न जाए, पुनः भटके हुए मन को श्वास प्रश्वास में लाना है, मन को नियंत्रित करना है। आती सांस, जाती श्वास को एक लय बना लें। बाहरी कुछ दबाव न दें। मन भटक सकता है, पुनः मन को ध्यान की ओर लाएं। विपश्यना विधि खुद अपने को
श्वास प्रश्वास की विधि से अवलोकन करने का नाम ही है।